स्टूडेंट्स, आई सुधा राणा फ्रॉम निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन होने की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपकी कोर्स बहुत पीछे हो गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने की वजह से आपको ये कोर्स में दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। टीच यू एसएसटी ऑफ क्लास 3, दिस इज योर एसएसटी बुक्स। So let's start your first chapter, our universe. So let's start our first chapter, our universe. The topic is the universe, the galaxies, the stars, the solar system, the planets, the moons, and last the earth. When you look at the sky, आप आसमान में क्या देखते हैं? During the day, यू सी द सन, दिन के समय में हम सूर्य को देखते हैं। एट नाइट यू सी द मून एंड द स्टार्स, रात के समय में चांद और तारे देखते हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडी। सूर्य, चांद, तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं। द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड आर अवे फ्रॉम यस। ब्रह्मांड में हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं सारे आते हैं। बिसाइड द अर्थ ऑल गैलेक्सीज, द सन, द मून, द प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी लाइक विंड एंड सनलाइट आर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। इसमें सारे आकाश गंगा, सूरज, चांद, ग्रह, तारे और फिजिकल मैटर्स यानी भौतिक धातुएं, ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा आदि सभी आते हैं। Nobody knows how big the universe is। कोई नहीं जानता कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। The galaxies, हमारे आकाश गंगा। Millions of stars of various size from galaxies, लाखों की संख्या में आकाश गंगा हैं। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप एंड मूव इन स्पेस, उनका आकार अलग अलग होता है, वो अंतरिक्ष में घूमते रहते। आवर सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी विच इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स लाइक द सन। हमारे सौरमंडल में एक छोटा सा भाग मिल्की वे गैलेक्सी का है, जिसमें बहुत सारे तारे हैं जैसे सूर्य। When seen through a telescope, the Milky Way galaxy looks like a white patch of milk across the night sky। हम लोग दूरबीन से जब Milky Way galaxy को देखते हैं रात, तो वो आसमान में एक दूधिया पट्टी की तरह दिखाई देता है। This is how it got its name। आपको इसके वजह से इसका नाम आकाश द मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सीज। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है, सच एज एंड्रोमेडा, ब्लैक आई एंड वर्लपूल टू नेम ए फ्यू। इसमें से कुछ नाम है एंड्रोमेडा, ब्लैक आई और वर्लपूल। द स्टार्स, तारे। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, रात में हम लोग आसमान में तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, उनका आकार बहुत बड़ा होता है। दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैसेस, वे बड़े गेंद की तरह, गैसों का गेंद की तरह दिखाई देते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनका अपना ही उष्मा और प्रकाश होता है। द ब्राइटेस्ट स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज द साइरस, और जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग साइरस बोलते हैं। सम स्टार्स अपीयर टू फ्रॉम पैटर्न्स, कुछ तारे आकार के रूप में दिखाई देते हैं। दैट पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स, उसमें से कुछ जानवरों के आकार के दिखाई देते, कुछ
लोगों के रूप में और कुछ वस्तुओं के रूप में दिखाई देते हैं। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। इन आकारों को हम लोग तारों का समूह कहते हैं। वन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इन द ग्रेट बियर। और कभी कभी ये रात में हमें बहुत अच्छे से एकदम साफ दिखाई दिया देते हैं, जिसे हम लोग ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि कहते हैं। सम अदर कॉन्स्टेलेशन आर स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियन। इसमें से कुछ तारों के नाम हैं स्कॉर्पियस, लियो और ओरियन। द सोलर सिस्टम, सौर्य मंडल। द सोलर सिस्टम हैज द सन एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट अराउंड इट। हमारे सौरमंडल में सूरज और उसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। ये सौरमंडल के केंद्र में है और यह बहुत बड़ा एक आग का गोला जैसा है। द सन इज ऑर्बिटेड बाई प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। और इसके चारों ओर ग्रह, तारे, चांद, कॉमेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और सारी वस्तुएं घूमती रहती हैं। द सन इज ए स्टार। हमारा सूर्य भी एक तारा है। इट कॉन्टेंट्स 99.9% ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास। इसका 99.9% सोलर सिस्टम्स का मास है। द मीन्स इट एज ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारी गुरुत्वाकर्षण है। द अदर ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड इन टू ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यू टू दिस ग्रेविटी। और इसके वजह से वो अपनी और वस्तुओं को खींच सकता। द प्लैनेट्स यानी हमारे ग्रह। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वैंडर्ड। प्लैनेट का अर्थ होता है वैंडर्ड यानी खोज करना। दे एट प्लैनेट्स दैट वैंडर और ऑर्बिट अराउंड द सन इन फिक्स्ड पैट कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये हमारे सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष की चारों ओर घूमती है। फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द फार्टेस्ट फ्रॉम द सन दैट प्लैनेट्स आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एज द अपीयर इन द फिगर ऑन द प्रीवियस पेज। ये सारे ग्रह हैं जिनके नाम हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिसका हम लोग प्रीवियस पेज में देख चुके हैं। द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जिसमें से चार जो पहले के ग्रह के नाम हैं वे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। दे आर मोस्टली मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स आर सॉलिड। और ये रॉक्स यानी चट्टानों से, धातुओं से और ठोस वस्तुओं से बने हैं। द लास्ट फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड गैस प्लैनेट। और जो लास्ट के चार ग्रह हैं वो गैस प्लैनेट्स हैं यानी गैसों से बने हैं। एंड दे आर लार्ज प्लैनेट्स। और ये आकार में बड़े होते हैं। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ऑन। उन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देते हैं। द मून्स यानी चांद। सिक्स ऑफ द प्लैनेट एक्सेप्ट मरकरी एंड वेनस आर ऑर्बिटेड बाई देयर सैटेलाइट कॉल्ड मून्स। छह ग्रहों को छोड़कर मरकरी और वेनस चांद की चारों ओर घूमते हैं। आवर अर्थ इज आल्सो ऑर्बिटेड बाई इट्स मून। हमारा पृथ्वी भी चांद के अक्ष के पास घूमता है। अर्थ मून। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। हमारा चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। इट गोज अराउंड द अर्थ एवरी 27.3 डेज। और इसको घूमने में इसे 27.3 डेज लगता है यानी 27.1/3/4 यानी 6 आवर्स। इट हैज मच स्मॉलर देन द अर्थ। ये हमारे पृथ्वी से
बहुत छोटा है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, और इसका भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन, और ये सूर्य के प्रकाश से अपने को प्रतिबिंबित करते रहता है, रिफ्लेक्ट करता है जिसे बोलते हैं। रिमेंबर द मून इज एयरलेस वाटरलेस एंड देयरफॉर लाइफलेस, हमेशा आप लोग याद रखें कि ना ही इसमें हवा है, पानी है और ना ही कोई जीवन है। नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इट फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसको बनने में 4.5 बिलियन ईयर्स अगो लगे थे, यानी 4.5 अरब साल। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां बहुत अधिक मात्रा में जल है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन, जिसमें से 71% यानी 71% पृथ्वी का जो भाग है वो ओशियन यानी महासागर से ढका हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इट इज ए समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, जिसके वजह से हम इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं। सनलाइट फ्रॉम द सन, लिक्विड वाटर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ एयर फ्रॉम एटमोसफेयर अराउंड इट एंड इट्स लैंड मासेस हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, सूर्य का प्रकाश होने की वजह से, जल होने से और हमारे वातावरण में हवा होने से यहाँ जीवन संभव हो सका। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ मूवमेंट्स। द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, हमारी पृथ्वी दो तरह से घूर्णन करती है, पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमा। रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स और वन डे, हमारी पृथ्वी एक लट्टू के जैसा है जो अपने अक्ष में घूमते रहती है, जिसे घूमने में एक दिन यानी 24 घंटे लगते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, और ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है जिसके वजह से उसे रोटेशन यानी घूर्णन कहते हैं। दिस नोटेशन कॉजे डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात संभव है। रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, द अर्थ रिवॉल्व्स और गोज राउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 365 डेज और वन ईयर टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, और हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में एक वर्ष यानी 365 दिन लगाती है। द जर्नी ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और हमारी पृथ्वी जब ये यात्रा शुरू करती है तो उसे हम परिक्रमा बोलते हैं। द रिवोल्यूशन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन, और रिवोल्यूशन के वजह से यानी परिक्रमा की करने की वजह से हमारे पृथ्वी पर मौसम चेंज होते रहता है यानी बदलते रहता है। शेप ऑफ द अर्थ ऑरेंज लाइट, हमारे पृथ्वी का आकार संतरे के जैसा है। वी हैव ब्राउन अप नोइंग दैट द अर्थ इज राउंड, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। सो द आइडिया सीम्स नेचुरल टू यस, इसके बारे में हम लोग आइडिया लेते हैं। बट इमेजिन दैट वी हैव टू फिगर आउट द अर्थ शेप्स आर फ्रॉम आवर सेल्स, लेकिन हम जब कल्पना करते हैं तो ये फिगर आउट ऑफ द अर्थ शेप आवर सेल्स, ये एक संतरे के जैसा दिखाई देता है। फ्रॉम एनी प्लेस विथ ए वाइड व्यू द होरिजन लुक्स फ्लैट, और जब हम इसे देखते हैं तो ये चपटे जैसा दिखाई देता है। सो आवर एंसेस्टर्स लॉन्ग अगो थ्रो द अर्थ वाज जस्ट एट
इट लुक्स फ्लैट। तो हमारे जो पुराने आंसर्स जो थे उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी चपटा है। एंड फैक्ट द एंशियंट ग्रीक्स फिगर्ड आउट द अर्थ शेप देमसेल्व्स। हमारे जो पुराने ग्रीक फिगर्स जो है उसमें से हमारी पृथ्वी दे हैड बीन शिप्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ द साइट एज दे सेल्ड अवे द फर्स्ट द होल देन देयर सेल दे आल्सो रियलाइज्ड दैट दे हैड बीन द अर्थ्स राउंड शैडो पास अक्रॉस द मून व्हाट वी कॉल ए लूनर इक्लिप्स। और जब हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये जब रात के समय में परछाई सूर्य के प्रकाश ना मिलने की वजह से ये चंद्र ग्रहण के जैसा दिखाई देता है। द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन नाउ फ्रॉम द स्पेस। जब हमारे फोटोग्राफ्स जब अंतरिक्ष से फोटो लिए तो सो दैट इट इज नॉट फ्लैट बट बॉल लाइक थ्रो ए लिटिल फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम। जब उन्होंने अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी की फोटो ली तो उन्होंने बताया कि ऊपर और नीचे में हमारा जो पृथ्वी है वो समतल है लाइक एन ऑरेंज जैसे संतरे के जैसा। दिस इज बिकॉज द अर्थ टर्न्स अराउंड इट्सेल्फ वेरी क्विकली पुशिंग द मिडिल आउट ए लिटिल एंड पुलिंग द टॉप एंड बॉटम ए लिटिल। जिसके वजह से हमारी पृथ्वी एक संतरे के जैसा दिखाई देती है मिडिल में मिडिल आउट ऑफ लिटिल। मिडिल के बाद वो ऊपर जाते जाते फिर पतली होती जाती है और नीचे जाते जाते फिर वो समतल हो जाती है। रैप अप। द सन द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हमारे सूर्य चांद और तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम यस। हमारे ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं आती हैं। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। हमारा जो आकाश गंगा है वो तारों का समूह। आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। हमारे आकाश गंगा को मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं। द सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन एंड इट्स आइट प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। हमारे सौरमंडल में सूरज आठ ग्रह और चांद आते हैं। द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हमारा चांद है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। द अर्थ रोट्स और स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर वन डे। हमारा पृथ्वी एक लट्टू के जैसा अंतरिक्ष में। द अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स वन डे। हमारी पृथ्वी जब वो घूमती है तो उसे अपने अक्ष में घूमने में 24 घंटे लगते हैं जिसके वजह से दिन और रात होता है। द अर्थ रिवॉल्व और गोज राउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 365 डेज और वन ईयर टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। हमारे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में एक साल यानी कि 365 दिन लग जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। अतः अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को होमवर्क में उनकी सहायता करें। थैंक यू। स्टे होम बिजी।